सुप्रीम कोर्ट से निर्भया के दोषी पवन को बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अर्जी को खारिज किया है और मौत की सजा का वो उम्र कैद में बदलने की ये अर्जी थी जिसे फिलहाल खारिज कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो वक्त पहले ही यहाँ पर दिया गया था कि जो भी विकल्प हैं, कानूनी अधिकार जो यहाँ पर दिए जाते हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन उस वक्त कोई यहाँ पर अधिकार इस्तेमाल नहीं किया गया और कुछ दिन पहले ही दोषी पवन की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई थी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को ही खारिज कर दिया है। तो मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की अर्जी थी जहां सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच ने फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया है और इसके बाद ये समझना होगा कि क्या 3 मार्च जिस तरह से हाल में जो डेथ वारंट जारी किया गया था उसमें 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दिए जाने की बात कही गई थी, तो क्या उसी पर ये आगे जारी रहेगा। तो हालांकि उस पर भी कई संशय यहां पर सामने आ रहे थे क्योंकि अधिकार जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से निर्भया के दोषी पवन को झटका लगा है उसके बाद कहीं ना कहीं ये तय शायद मान लिया जाए कि 3 मार्च को ही इन्हें फांसी होगी। तो निर्भया की मां ने भी यहां पर उम्मीद जताई थी कि न्याय आखिर मिलेगा। 7 साल 3 महीने का जो लंबा इंतजार किया उसके बाद अंत में एक बड़ी उम्मीद यहां पर निर्भया की मां को। और फिलहाल अमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बड़ा झटका यहां पर, दो चीजें यहां पर लगातार बन रही थी कि शायद या तो क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा या फिर जिस तरह से 3 मार्च को यहां पर फांसी की सजा दी गई है, मतलब डेथ वारंट जिस तरह से जारी किया गया है, या तो फिर वो रहेगा। फिलहाल ये बड़ी खबर जिस तरह से सामने आ रही है उसके बाद क्या कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं? आरोपी जिस तरह से एक एक करके टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे उसमें वो कामयाब होते जा रहे हैं। 3 तारीख का कल का डेथ वारंट जो जारी हुआ उसमें फांसी होना मुश्किल है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव पिटीशन जरूर खारिज कर दी, लेकिन साथ ही दया याचिका अब भी उसके पास ऑप्शन के रूप में बाकी है, उसे भी आगे चल के दायर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि चारों आरोपियों को एक साथ फांसी होनी है, अलग अलग फांसी होनी है, इसे लेके भी अब तक किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है। और यही बड़ी वजह है कि जो 3 तारीख का डेथ वारंट है वो एक बार फिर विफलता के कगार पे नजर आ रहा है। जी, लेकिन अभी अगला चीजें क्या हो सकती है, आगे क्या चीजें हो सकती है, क्या आज ही राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल ऑप्शन जो है दया याचिका का पवन के पास है, उसे दाखिल किया जा सकता है। लेकिन अभी नहीं लगता, जिस तरह से दोषियों के वकील लगातार जो है जो उनके पास ऑप्शन है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं कहा जा सकता है। और यही एक वजह है कि आखिरी मोमेंट पे जब 3 तारीख आने वाली थी तब पहले क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है, अब फिर कुछ दिन जो है एपी सिंह इंतजार करेंगे और जो अन्य वकील है वो इंतजार करेंगे और उसके बाद जो उनके पास दया याचिका का ऑप्शन है वो भी सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से निर्भया के दोषी जो है उन्हें लगातार उनकी निर्भया की मां लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे इन दोषियों को फांसी हो, उसे एक बार फिर झटका लग रहा है क्योंकि अगर 3 तारीख को फांसी नहीं हुई तो पटियाला हाउस कोर्ट को एक बार फिर डेथ वारंट जारी करना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।